सब्सक्राइब करें राजपूताना टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं नए वीडियो फ्री में देखने के लिए। कि जहां गोगा मेरी आएगा वहां मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। प्रशासन वाले बोले जी आ जाओ, माने के मतलब जूत बाजा धर्म तकड़ो हो, कमजोर हो वो कुटीचा को तकड़ो हो, वो कूट ले हो, बाद में मुकदमा दर्ज कर ले, आ जाओ थे भी आ जाओ। अरे कर्नल साहब ओसिया जाकर के बात कर रहे थे गोगा मेरी आएगा वहां मैं आऊंगा, मैं तो बाद मेरी आ गया, आ जाओ। लाश को लेकर के अजमेर
नतीजे दोगे, ना तो इनका दाग लगाएंगे और ना यहां से उठेंगे। सीबीआई जांच देनी पड़ी उन मेघवाल परिवार के लिए भी हम लड़े थे। सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग चाहे खाती हो, चाहे छिपी हो, चाहे लोहार हो, चाहे कुमार हो, चाहे मेघवाल हो, चाहे धानक हो, चाहे रेवारी हो, मेरे नौजवान साथियों, चाहे नारी हो, सबको साथ लेकर के चलना है, सबको साथ लेकर के चलना है। और जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, तो हिंदुस्तानी मुस्लिम है, उनको भी कंधे से कंधा मिला करके साथ लेकर के चलना है। मेरे नौजवान साथियों, आज जो बिहार के अंदर आप लोगों ने सर्व समाज का महासम्मेलन बुलाया, इसके लिए मैं आपको और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही कम समय में यह कार्य करके दिखाया, इसके लिए आपको साधु प्रणाम। आज तो आपको पता होगा हमारे हरियाणा के शेर जैसा मादा रखने वाले, लंबी लंबी जाड़ी वाले, बड़ी बड़ी आंखों वाले कौन से? फ्लाइट की टिकट नहीं मिली, इसलिए नहीं आ सके। हमने 4 दिन का समय दिया था सरकार को कि 4 दिन में या तो हमारे शेर को रिहा कर दो, बोलना पूरे भारत के ये सैनिक आएंगे और पिंजड़े को गाड़ के ले जाएंगे इसको साथ। जय हो। 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन में या तो रिहा कर दो, नहीं तो दिल्ली को कीड़ी नगर की तरह घेर लेंगे और रिहा नहीं करोगे तब तक वहां से हटेंगे नहीं। ये बात मैंने अकेले ने कही थी या उस बात में आप सब शामिल थे? हाथ खड़े करके बताओ, सब शामिल थे? हाथ खड़े रखो। देख लो भैया वीडियो, सुखदेव सिंह अगला जेल तोड़ने के लिए नहीं जाना था, ये 30,000 ये भी जाना था, इन पर भी मुकदमा दर्ज करा दो कर्नल साहब। अरे अभी भी वक्त है कर्नल साहब, कोठारिया चल करके आओ और दाता जसवंत सिंह जी के चरणों में शीश रख के राजपूत समाज से माफ कर लो। हम तो